जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार कश्मीरी पंडितों का, एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो दो ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें। और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें।